आज की ये कहानी है मुंबई जैसे बड़े शहर की एक छोटी सी बस्ती के जमींदार की, जिसका नाम पृथ्वी था। वो बस्ती के सभी लोगों को काम देता था और उसकी वजह से ही लोगों को दो वक्त का खाना मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बस्ती के लोगों के लिए फरिश्ता था, क्योंकि इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ था, जो मदद के बदले लोगों से अपने लिए डबल मेहनत करवाता था। कभी अपने घर का काम करवा लेता तो कभी देर रात तक जाकर उन्हें अपने घर की देखभाल करने को कहता। इसी तरह जल्द ही स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार आने वाला था, जिस दिन बस्ती में रहने वाला करण नाम का एक लड़का अपनी माँ से कहता है कि आज़ादी का मतलब तो ये होता है ना कि हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, पर हमारे ऊपर तो जमींदार पृथ्वी का रोब जमता है, वो जो कहता है हम सभी को वही करना होता है, तो इस तरह से तो हम आज़ाद हुए ही नहीं हैं। तभी उसकी माँ राखी कहती है कि ऐसा नहीं कहते बेटा, वो हमारे अन्नदाता है जिनकी वजह से हमारे घर में खाना आता है, अब फिर कभी ऐसा मत कहना। अपनी माँ की बात मानते हुए करण उसी वक्त पृथ्वी के खिलाफ कहना बंद कर देता है, पर उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो बस्ती के सभी लोगों को सच्ची आज़ादी दिलवाकर ही रहेगा। इसी तरह 15 अगस्त के दिन बस्ती के सभी लोग इकट्ठे हुए, तभी करण ने खुद जमींदार पृथ्वी के सामने सभी से कहा कि भले ही हमें इसकी वजह से काम मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके इशारों पर नाचेंगे। हम जो मेहनत करते हैं उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए, पर यह तो हमसे अपनी गुलामी करवाता है। तुम लोगों की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर असल में कभी स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो ऐसे ही लोगों की गुलामी करना हमें छोड़ना होगा, तभी हमें सच्ची आज़ादी मिलेगी। करण की इन बातों ने बस्ती के सभी लोगों की आंखें खोल दी थी, और उसी वक्त सभी लोग जमींदार पृथ्वी के खिलाफ खड़े होते हुए कहते हैं कि करण सही कह रहा है, हम आज भी इस पृथ्वी के लिए गुलामी कर रहे हैं। पूरा देश आज़ाद हो चुका है, पर ऐसे लोगों से आज भी कई लोग आज़ाद नहीं हैं। और यही कहते हुए लोग उसी दिन से पृथ्वी की बात मानने से इनकार कर देते हैं। पृथ्वी की कोई भी बात ना मानने की वजह से पृथ्वी का बुरा हाल हो गया था, उसका घर चलना भी मुश्किल हो गया था, और अब वो एक कैदी की तरह सिर्फ चार दीवारी में ही रह रहा था। इन्हीं परिस्थितियों से अब पृथ्वी को सीख मिल चुकी थी कि दूसरों की मदद करने के पीछे अगर हमारा खुद का स्वार्थ है तो उसे मदद करना नहीं बल्कि उसे खुद के लिए गुलामी करवाना कहते हैं। इसलिए एक दिन वो खुद ही बस्ती के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनके सामने अपने किए पर पछतावा करता है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।